हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केमन आछो कैसन बा कसा काय। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ समर हेयर केयर टिप्स, जो कि अगर आप ये सारे हेयर टिप्स अगर फॉलो करते हो, अगर आपके जो बाल है बहुत ज्यादा मतलब झड़ते हैं, डेंड्रफ भी हो जाते हैं, आपके बालों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और इचिंग भी होती है और बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है, तो अगर आप ये टिप्स अगर फॉलो करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और प्लस समर में तो होता ही होता है हेयर प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा बाल गिरने लगता है और बाल बहुत लसलसा हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, इचिंग भी होती है और डैंड्रफ भी आना शुरू हो जाता है समर में। तो कुछ टिप्स मैं शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि जब भी वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, जब भी आप हेयर वॉश करने जा रहे हैं वो आप ध्यान रखें कि शैम्पू अच्छा होना चाहिए, उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए और आपको वीक में 2 से 3 बार आपको शैम्पू करना होगा। समर में गर्मी के टाइम में शैम्पू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो बहुत धूल मिट्टी और स्वेटिंग होती है, तो शैम्पू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शैम्पू हम बालों में 3 बार करेंगे, हफ्ते में 3 बार, और प्लस अगर कोई हेयर सीरम वगैरह है तो आप हेयर सीरम जरूर लगा ले, इससे आपके बाल टूटना कम हो जाएगा अगर हेयर सीरम लगाकर फिर कंघी करते हैं तो। तो अब सेकंड टिप्स पे हम लोग चलते हैं। सेकंड टिप्स ये है कि आपको अपने बाल को कवर करके रखना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप ध्यान रखें, अगर लड़का है तो कैप पहनकर जाए, अगर लड़कियां हैं तो स्टॉल जो है वो अपने बालों में ढककर अच्छे से जाए। इससे क्या होगा, बाहर की जो धूल मिट्टी और प्लस जो डायरेक्ट धूप आती है आपको बाल को बेजान बना देती है धूप से, और आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है आपके बालों में, तो इस वजह से आपकी बाल जो है डैमेज हो जाता है। तो आप अपना केयर जरूर कर ले, बाहर जाए तो अपने हेयर को ढक कर जाए। इस थर्ड है मालिश करना है, अपने बालों को मसाज करना है। जैसे वीक में जैसे जब भी आप शैम्पू करने जाए तो मतलब रात को अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ले, मसाज कर ले। अगर बालों को अच्छे से आप ऑयलिंग करोगे तो आपके बालों में ऑयल बरकरार रहेगा और आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो जब भी शैम्पू करने जाए आप ऑयलिंग जरूर कर ले। पानी का फोर्थ है, गर्म पानी का यूज ना करें। अपने गर्म पानी यूज करने से आपकी जो बाल का जो नमी है वो खो जाता है और प्लस रियल जो ऑयल होता है आपके बालों में वो ऑयल मतलब खत्म हो जाता है। तो इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें बाल वॉश करने में, या बाल ऐसे ही जब भी धोते हो तो गर्म पानी का यूज ना करें। फिफ्थ है डाइट, आपको खान पान बिल्कुल सही रखना होगा। अगर आप साग सब्जी फल फ्रूट खाते हो तो आपके जो बाल है वो हेल्दी रहेगा। ऑयली खाना स्किप करना होगा, अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, इसे बंद करना होगा। आपको घर का खाना ही खाना होगा, दालें वगैरह खाने होंगे, फल फ्रूट ग्रीन सब्जी साग सब्जियां खाओगे, इससे आपके बाल जो है हेल्दी रहेगा। टिप्स नंबर 7, आपको ट्रिम करना है। जब भी समर शुरू होता है तो हमें 2 मुहे के बालों का समस्या शुरू हो जाता है, तो हम समर में क्या करेंगे, हर 1 महीना 1.5 महीने में अपने बालों को ना जो नीचे का लेंथ है उसको हमें थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम कर लेना होता है। इसे अगर हम ट्रिम कर लेंगे तो हमें 2 मुहे बालों की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और प्लस हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा। टिप्स नंबर 8, आपको वीक में 1 बार हेयर मास्क तो जरूर ही लगाना है। अगर आप हेयर मास्क लगाते हो वीक में 1 बार तो आपके जो बाल है वो हेल्दी हो जाएगा, बाल टूटना बंद हो जाएगा। अगर आप चाहे तो होममेड भी हेयर मास्क लगा सकते हो, अगर नहीं बाहर से लेना है तो बाहर से भी आप हेयर मास्क लेकर लगा सकते हो, लेकिन आप लोग देख लेना, चेक कर लेना कि उसमें ज्यादा केमिकल ना हो
अगर केमिकल फ्री हो तो आप वो वाली हेयर मास्क लगा सकते हो, नहीं तो आप घर में हेयर मास्क कैसे बनाएंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो ये रहा समर हेयर केयर टिप्स, अगर ये सारे टिप्स अगर फॉलो करते हो तो आपके जो बाल है वो नहीं झड़ेंगे, नहीं टूटेंगे, और आपके जो बाल है हेल्दी रहेगा, खूबसूरत रहेगा, लॉन्ग भी रहेगा, ग्रोथ भी आता रहेगा, ये सारे टिप्स अगर फॉलो करते हो तो। होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी अपने ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।